इससे ढाई लोगों गबूर को बोलो ना, इस गाड़ी में बैठा हुआ है ये आप देख सकते हैं। पंजाब पुलिस के एहलकार जो है वो यहाँ पर तरीके इंसाफ के जो कारकुनान है उन्होंने उनको पकड़ लिया है और अब उनको महफूज मुकाम पर लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान ने जो पंजाब पुलिस के एहलकार यहाँ पर शैलिंग कर रहे थे उनको पकड़ लिया है और अब महफूज मुकाम पर लेकर जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस को प्रोटेक्ट कर रही है ताकि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार जो हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आवाम कर रहे हैं यार, ये पुलिस एक एक ही पुलिस रह गया था वो छोड़ के इधर ही रह गया था वो। देखिए ये बहुत गलत है, एक पुलिस का अपना एहलकार छोड़ कर वो सब यहाँ से चले गए। सो उनको प्रोटेक्ट उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार जो हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूरत हाल है अटक की, जो पंजाब पुलिस के एहलकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अटक की। पंजाब पुलिस के एहलकार यहाँ पर क्योंकि कुछ जो एहलकार थे वो भाग गए थे और बाकी एहलकार यहाँ रह गए थे जिनको इन कारकुनान ने पकड़ लिया और अब उनको पकड़ के गाड़ी में बिठाया गया है और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। अटक के मुकाम पर मौजूद हूँ, ये देखें जी, ये देखें जी, ये आपको दिखाते हैं, ये देखें जी, पंजाब पुलिस अपने शहर छोड़कर भाग गई है, शहर है ये, पंजाब पुलिस अपने शहर छोड़कर भाग गई है और कारकुनान आपस में तकसीम कर रहे हैं। सो आप ये देख सकते हैं ये कारकुनान तकसीम कर रहे हैं और पंजाब पुलिस अपने शहर छोड़कर भाग गई है। ये तो लाशेल है, देखें जी पंजाब पुलिस अपने शहर छोड़कर भाग गई है, तेल छोड़कर भाग गई है, ये कारकुनाओं का जज्बा है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इन्होंने चैलेंज को तोड़ दिया, हमने इसके चैलेंज को तोड़ दिया, वो कह रहे हैं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सो वो देखें जी अपना सारा सामान छोड़कर भाग गए, ये टार्च एक एक ये टार्च है, शेल है, हर चीज है। सो आप तरीके इंसाफ के जो कारकुनान है वो ट्रकों को पीछे हटा रहे हैं और आपने देखा और आपने देखा शेल, ये देखें जी, ये दिखाएं जी एक मिनट, ये देखें ये शेल है, ये दिखाएं जी ये शेल है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर है यार एक एक एक, ये देखें जी ये शेल है, ये शेल है। सो आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस अपने शहर छोड़कर भाग गई है, पंजाब पुलिस अपना सामान छोड़कर भाग गई है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान ने ये मैदान जो है ये भी मार दिया है और ये अटक का जो पुल है अब ये क्रॉस किया जाएगा। सो ये सूरत हाल देख सकते हैं। अच्छा, नहीं सही है, समझ नहीं आ रही, पश्चों में पठान भाई बहुत गुस्से में है। सो ये जज्बा है तरीके इंसाफ के कारकुनान का और अब तरीके इंसाफ के कारकुनान जो कंटेनर लगाए गए थे, जो ट्रक लगाए गए थे, इनको पीछे हटा रहे हैं, इनको आगे लेकर जा रहे हैं। ये मैदान जो है वो तरीके इंसाफ के कारकुनान ने मार लिया है और डीपीओ साहब ये आपकी जो पुलिस है भागना तो दूर की बात, ये अपना सामान छोड़कर भाग गई है। आपको दिखाया किस तरह शैल थे जो कारकुनान ने आपस में बांट दिए, इसके अलावा तमाम तर सामान वो लेकर चले गए हैं और अभी आप ये देख सकते हैं ये जो कंटेनर्स हैं वो यहाँ से हटाए जा रहे हैं, ये ट्रक जो ट्रक है इनको यहाँ से हटाया जा रहा है और तरीके इंसाफ के कारकुनान यहाँ एक कसीर तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान ने डट कर मुकाबला किया। सो आप ये देख सकते हैं इमरान शिलिंग भी किया और मारा भी हमको, लेकिन हमने उसको कुछ भी नहीं मारा, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने ना इनको कुछ नुकसान पहुंचाया और इसने बहुत जुल्म किया हमारा साथ, जुल्म किया लेकिन फिर भी यहाँ से वो चले गए हैं, भाग गए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान अब यहाँ पर मौजूद हैं और अब रुकावटों को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये सूरत हाल आपको मैं सूरत हाल दिखाता हूँ, ये शेल के कवर हैं जो पंजाब पुलिस ने शदीद शेलिंग की। सो आप ये देख सकते हैं
यहाँ पंजाब पुलिस की जानब से एक मिनट साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए। सो आप ये सो आप वो कह रहे हैं कि ये अभी चला भी नहीं है। सो ये देख सकते हैं ये सेल मौजूद हैं और ये कवर मौजूद हैं। पंजाब पुलिस की जानब से शदीद सेलिंग की गई और ये नौजवान जो है ये सेल इकट्ठे कर रहा है क्योंकि वो कुछ सेल छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम अटक की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो एक रुकावट थी वो अबूर कर ली है और अब आगे की जानब बढ़ा जा रहा है और ये जो ट्रक थे इन्हें आगे किया जा रहा है। सो ये सूरत हाल है, ये जज्बा है, ये जनून है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज जिस तरह डट कर खड़े रहे, जिस तरह डट के मुकाबला किया वो आपको दिखाया, शदीद सेलिंग के बावजूद कुछ नहीं हुआ, आपके साथ मौजूद हूँ। सही है, आपका पसंद आ गया। हाँ, वो कह रहे हैं मुझे गेम पसंद आ गई। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा यार, बहुत बहुत मेहरबानी यार। अपने खून पर खेल कर हमने इसको भगाया यार, ये देखो मुजाहिद है। बहुत शुक्रिया जी, आप हमसे कसम से बड़ा मुजाहिद है। बहुत शुक्रिया, हमेशा इंशाल्लाह ये हमेशा लड़ता रहेगा। सो ये देख सकते हैं इस तरह के बुजुर्ग बाबा भी, ये भी ये देखें जी इस उम्र में भी आगे मौजूद हैं। सो ये सूरत हाल है इस टाइम अटक पुल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक जो रुकावट थी वो अबूर कर ली है। ये आप देखें, ये इनकी जानब से गाड़ियों के, ये पुलिस की जानब से पहले के शीशे टूटे हुए थे, ये गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और आगे एक मिनट आगे ट्रक खड़े हैं जो हटाए जा रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो आगे की जानब जाएगा। पुलिस तो चली गई यहाँ से, भाग गई। वो पता ना है ना, किसने भाग गया उसको पता नहीं। पाकिस्तान किसने आजाद करवाया? पठान ने आजाद करवाया, और किसने आजाद कर, पंजाबी ने आजाद करवाया। भागे वो भाग गया वो। सो आप ये देख सकते हैं ये कंटेनर जो है वो हटाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं जी, ये देखें जी, ये देखें, ये वो कंटेनर हैं जो लगाए गए थे। ये देखें, ये कंटेनर लगाए गए थे और अभी ये कंटेनर हटाए जा रहे हैं। ये देखें जी, ये कंटेनर हटाए जा रहे हैं। सो आप ये जज्बा, ये जनून आप देख सकते हैं, कंटेनर हटाए जा रहे हैं। ये वो कंटेनर हैं जो लगाए गए थे और आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ये कंटेनर हटा दिए हैं और रास्ता खोल दिया है। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम अटक की। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं कंटेनर्स को हटा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान कंटेनर्स को हटा रहे हैं और तमाम तर रस्ते जो है वो खोल दिए गए हैं। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम अटक की। ये सूरत हाल है इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो आगे की जानब बढ़ रहे हैं। ये मंदिर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जा रहे हैं आगे की जानब, तमाम तर रुकावटों को हटाते हुए, तमाम तर रस्ते अबूर करते हुए। ये सूरत हाल है इस टाइम अटक की। ये देखें जी इस तरह कंटेनर्स के अंदर ये मट्टी डाली गई थी लेकिन ये मट्टी भी किसी काम नहीं आई। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कंटेनर से मट्टी उठाकर फेंक दी है। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है और इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान देख सकते हैं जिन्होंने डटकर इस सैलिंग का मुकाबला किया, जो यहाँ मौजूद रहे और दलेरी के साथ यहाँ मौजूद रहे। सो ये जज्बा है, ये जनून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। आइए मैं आपको एक नौजवान से मिलवाता हूँ। ये वो नौजवान है जिसने बहुत अहम किरदार अदा किया पुलिस को पीछे भगाने में। नौजवान जान की परवाह नहीं आपको? हसनैन भाई, मैं पहले इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम करता, नेशनल मीडिया के साथ। 8 फरवरी से पहले मेरे भाइयों को गिरफ्तार किया, कारोबार तबाह कर दिया, बिल्कुल रोड पे बिठा दिया, भिखारी बना दिया। आज वही हुकूमत भी है, वही 8 फरवरी से 8 महीने गुजरे हैं, वीको भी ले ली और वही वीको लगा रहे हैं। पहले वीको डालो वाले उठाने आते थे, आजकल हम वीको डालो वालों को उठाने जाते हैं, फर्क यही है। नहीं ये एक्चुअली आज जो इन्होंने किया अपने वीको डालो से कंटेनर्स को साइड पे किया और पुलिस को पीछे, वीको डालो की पावर बहुत होती है, वीको डालो की पावर बहुत होती है। सो ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अब इस अंधेरे में आगे की जानब बढ़ रहे हैं। ये सूरत हाल है, ये जज्बा है, ये जनून है। नौजवान
कहाँ गई पुलिस? पुलिस तो यहाँ मौजूद थी, वो भाग गए सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना जज्बे से निकले कि कोई भी चीज से आया हूँ, कोई भी चीज तकरीबन दो दिन पहले सवाबी पहुंचा हूँ, कराची से आया हूँ, सही है, अपने खर्चे पे आया हूँ, इधर पहुंचा हूँ दो दिन, बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल वो कराची से आए हैं, मुझे पता चल चुका है। आइए आगे चलते हैं, आगे जाके आपको सूरत हाल दिखाते हैं। सो ये वो पुल था जहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को रोका गया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को रोकने की कोशिश की।